Hello friends, how are you all? Hope you all are well. So friends, today's explanation video is going to be on the film Crack Jeetega Toh Jiyega, which is recently released in 2024. So without any delay, let's start the explanation of the movie. फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सिद्धू होता है, जो कि मुंबई में रहता है। सिद्धू ट्रेन के ऊपर बहुत खतरनाक स्टंट कर रहा होता है और उसके दोस्त उसका वीडियो बना रहे होते हैं। फिर तभी पुलिस सिद्धू को ट्रेन के ऊपर स्टंट करते देख लेती है और फिर उसे पकड़ कर जेल में डाल देती है। पुलिस वाले सिद्धू को कई बार खतरनाक स्टंट करने के चलते उसे पकड़ चुके हैं और हर बार उसके पापा उसे जेल से छुड़ा देते हैं, और इस बार भी उसके पापा उसे जेल से बाहर निकालते हैं। सिद्धू के पापा सिद्धू के स्टंट करने से बहुत परेशान हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बेटा खतरनाक स्टंट करके अपनी जान को खतरे में डाले, इसलिए घर पर सिद्धू और उसके पापा के बीच झगड़ा भी होता है। सिद्धू के पापा चाहते हैं कि उनका बेटा स्टंट करने में अपना टैलेंट वेस्ट करने के बजाय उस टैलेंट को स्पोर्ट्स में लगाए और देश के लिए मेडल लेकर आए, लेकिन सिद्धू ऐसा नहीं चाहता। वो अपने पापा से कहता है कि मेडल लाने से क्या फ़ायदा होगा। दरअसल सिद्धू के पापा ने भी स्पोर्ट्स में देश के लिए मेडल लाए थे, लेकिन अब वो पैसों की तंगी झेल रहे हैं, इसलिए सिद्धू चाहता है कि वो पोलैंड में होने वाले डेंजरस स्टंट इवेंट मैदान में पार्टिसिपेट करके उसे जीते, क्योंकि मैदान में जीतने पर करोड़ों रुपए का प्राइज मिलता है। अब सिद्धू की बातें सुनकर सिद्धू के पापा अलमारी से एक बैग निकालते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। अब यहाँ हमें पता चलता है कि सिद्धू का एक भाई था जिसका नाम निहाल था। सिद्धू और उसका भाई दोनों ही खतरनाक स्टंट किया करते थे और उसका वीडियो बनाते थे ताकि वो उस वीडियो को अपलोड कर सकें और मैदान कंपटीशन में जा सकें, क्योंकि मैदान कंपटीशन में स्टंट की वीडियो के बेस्ड पर सिलेक्शन होता था। जिनकी वीडियो उन्हें पसंद आती थी उन्हें वो मैदान कंपटीशन में बुलाते थे। अब एक दिन निहाल का मैदान कंपटीशन में सिलेक्शन हो जाता है और उसे वहाँ बुलाया जाता है। इसके बाद निहाल मैदान कंपटीशन में चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद निहाल की फैमिली को खबर मिलती है कि निहाल की एक गेम में मौत हो गई। फिर निहाल ने जो गेम में प्राइस के रुपए जीते थे वो उसकी फैमिली को भेज दिए गए थे। निहाल के पेरेंट्स की आज तक हिम्मत नहीं हुई उन पैसों को खर्च करने की, क्योंकि वो पैसे उनके बेटे ने अपनी जान गंवा कर जीते थे। अब इस सब को याद करके निहाल अपने भाई को बहुत मिस करने लगता है और इमोशनल होकर रोने लगता है। फिर तभी सिद्धू के पास एक आदमी आता है और उसे बताता है कि वो मैदान में सेलेक्ट हो गया है। ये सुनकर सिद्धू बहुत खुश होता है और वो उस आदमी के साथ मैदान कंपटीशन के लिए यूरोप चला जाता है। फिर हम देव नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि मैदान का ऑर्गेनाइज़र होता है। देव मैदान में कभी हारा नहीं, इसलिए उसे मैदान का ऑर्गेनाइज़र बनाया गया है। अब देव एक आदमी को मार देता है क्योंकि देव को पता चलता है कि वो आदमी पुलिस को मैदान गेम के बारे में खबर दे रहा था। फिर जब पुलिस ऑफिसर को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है क्योंकि उसने अपना एक इन्फॉर्मर खो दिया था। पुलिस वाले देव के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि देव जो मैदान गेम चलाता है वो बहुत खतरनाक है, जहाँ पर बहुत से लोगों की जान चली जाती है। साथ ही देव प्लूटोनियम की स्मगलिंग भी करता है जिससे न्यूक्लियर बम बनाया जा सकता है, इसलिए पुलिस वाले देव को पकड़ना चाहते हैं और उसके गेम को भी बंद करना चाहते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू पोलैंड पहुँच जाता है जहाँ और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर अलग अलग देशों से आए होते हैं। वहाँ पहुँचने पर देव सबका वेलकम करता है और मैदान के रूल्स सबको बताता है। वहाँ सबको एक वॉच पहनाई जाती है ताकि वो उन्हें ट्रैक कर सकें। साथ ही उन सबके मोबाइल्स भी वो लोग ले लेते हैं ताकि वहाँ से कोई बाहर कॉन्टैक्ट न कर सके। अब देव सबको बताता है कि मैदान में तीन रेस होगी, जो तीनों रेसों को जीतेगा उसे 80 करोड़ का प्राइज़ मिलेगा। फिर एक चौथी रेस देव के साथ होगी, जो देव को हराएगा उसका प्राइस डबल हो जाएगा। ये सुनकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। फिर देव सबको बताता है कि आज सब लोग रेस्ट करो, कल पहली रेस शुरू होगी। फिर रात के वक्त सब पार्टी में जाते हैं जहाँ पर सिद्धू एक इंडियन लड़की के मोबाइल से अपने पेरेंट्स को कॉल करता है और उन्हें बताता है कि वो मैदान में आ गया है और वो जीत कर वापस जरूर आएगा। फिर सिद्धू पार्टी में एक लड़की से मिलता है, इसका नाम आलिया होता है। वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है जो कि मैदान में कमेंट्री करती है। सिद्धू को आलिया बहुत पसंद आती है और वो आलिया को ये बात बता भी देता है, लेकिन आलिया सिद्धू को भाव नहीं देती। फिर अगले दिन पहली रेस शुरू होती है। इसमें सभी प्लेयर्स को एक बड़े से चलते हुए ट्रक से फ्लैग्स को निकालना था। वो ट्रक बहुत तेज स्पीड से चल रहा होता है। इन सभी प्लेयर्स को दूसरे रिमोट कंट्रोल ट्रक को पकड़ कर उसके ज़रिए मेन ट्रक तक चढ़ना था और उन फ्लैग को निकालना था। अब उन रिमोट कंट्रोल ट्रक को पकड़ने के लिए सभी भागते हैं, जिसमें कुछ प्लेयर्स तो ट्रक को पकड़ लेते हैं लेकिन कुछ नहीं पकड़ पाते और उनकी मौत हो जाती है।
सिद्धू भी एक ट्रक को पकड़ लेता है और मेन ट्रक तक पहुंच जाता है और फ्लैग को निकाल लेता है। इसके बाद उसका नेक्स्ट रेस के लिए सिलेक्शन हो जाता है। फिर रात के वक्त फिर से पार्टी होती है जहां आलिया भी आई होती है। आलिया सिद्धू से काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि सिद्धू ने गेम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आलिया भी सिद्धू को लाइक करने लगी थी, इसलिए वो पार्टी के बाद उसे अपने घर लेकर जाती है जहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर जब सिद्धू वहाँ से बाहर आता है तो बाहर वही पुलिस ऑफिसर आई होती है। वो सिद्धू से कहती है कि उसे देव का पता चाहिए और अगर सिद्धू इस काम में उसकी मदद नहीं करेगा तो वो उसे जेल में बंद कर देगी, क्योंकि सिद्धू के पास कोई पासपोर्ट वीजा नहीं था। उस पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर सिद्धू बहुत परेशान हो जाता है। अब वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू को एक चिप देती है और उससे कहती है कि ये चिप तुम्हें देव पर लगानी होगी ताकि वो लोग देव की बातें सुन सकें। अब सिद्धू के पास उस पुलिस ऑफिसर की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो उससे कहता है कि वो ये काम कर देगा। फिर जब सिद्धू मैदान में आता है तो देव के आदमी सिद्धू पर हमला करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि सिद्धू पुलिस ऑफिसर से मिला है। इसके बाद सिद्धू उन सबको पीट कर देव के पास जाता है और देव को सब सच बताता है कि किस तरह से उसके पास एक पुलिस ऑफिसर आई और उसने उसे एक चिप दी। ये सुनकर देव को सिद्धू पर भरोसा हो जाता है कि सिद्धू पुलिस वालों से नहीं मिला है। फिर देव उस चिप को तोड़ देता है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि उस पुलिस ऑफिसर ने सिद्धू को दो चिप दी थी। एक चिप तो देव ने तोड़ दी थी लेकिन दूसरी चिप सिद्धू ने देव के लॉकेट में लगा दी थी। फिर अगले दिन देव स्मगलिंग की प्लानिंग कर रहा होता है लेकिन वो पुलिस ऑफिसर देव की बातें सुन लेती है और फिर वो उसका सारा माल पकड़ लेती है। अब देव सिद्धू से उस पुलिस ऑफिसर को कॉल करवाता है और फिर देव के कहने पर सिद्धू पुलिस ऑफिसर को बताता है कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए उसे यहाँ से बाहर निकालो। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू को वहाँ अपने साथ लेकर आती है। सिद्धू के पीछे पीछे देव और उसके आदमी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर हमला शुरू कर देते हैं। अब वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू को बताती है कि उसके भाई की मौत गेम खेलते हुए नहीं हुई थी बल्कि उसे देव ने मारा था। ये सुनकर सिद्धू हैरान रह जाता है और वो देव से इस बारे में सच पूछता है, लेकिन देव उसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद सिद्धू वहाँ ब्लास्ट करता है, फिर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी सस्पेंड हो जाती है क्योंकि उसका ये मिशन फेल हो गया था। अब सिद्धू को पता चलता है कि वो पुलिस ऑफिसर से मिला है, ये बात आलिया ने ही देव को बताई थी। इसके बाद वो आलिया से काफ़ी झगड़ा करता है। आलिया उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। सिद्धू ये जानकर बहुत दुखी और डिप्रेशन में होता है कि उसके भाई का मर्डर हुआ था। अब वो पुलिस ऑफिसर सिद्धू को बताती है कि अगर उसे अपने भाई की मौत का सच जानना है तो उसे मैदान में वापस जाना होगा। फिर अगले दिन मैदान में दूसरी रेस की तैयारी हो रही होती है। अब देव सबको बताता है कि सिद्धू मैदान छोड़कर जा चुका है, लेकिन फिर तभी सिद्धू वहाँ पहुँच जाता है। सिद्धू को देखकर देव बहुत गुस्सा होता है और वो सिद्धू को गेम में रखने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन फिर तभी देव का बॉस मार्क सबको बताता है कि सिद्धू इस गेम में बना रहेगा, उसे बाहर नहीं किया जाएगा। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सिद्धू पर काफ़ी पैसे लगाए थे। लेकिन देव को अपने बॉस मार्क की बात बहुत ख़राब लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस ने उसकी डिसीजन को पलट दिया, इसलिए देव को सबके सामने अपनी इंसल्ट फील होती है। अब ना चाहते हुए भी उसे सिद्धू को गेम में शामिल करना पड़ता है, लेकिन इस रेस में सिद्धू को एक पार्टनर की ज़रूरत थी जो कि उसके पास नहीं था। फिर तभी आलिया वहाँ आती है और सबको बताती है कि वो सिद्धू की पार्टनर बनेगी क्योंकि वो अब सिद्धू से प्यार करने लगी थी, इसलिए वो सिद्धू का पार्टनर बनने के लिए आ जाती है। इसके बाद रेस शुरू होती है और इस रेस में सभी प्लेयर्स के पीछे भूखे शिकारी कुत्तों को छोड़ा जाता है। अब उन प्लेयर्स को स्केटिंग करके रन करना था और फ्लैग्स तक पहुँच कर उन्हें उठाना था। फिर जैसे ही वो फ्लैग्स को उठाएंगे उनके ऊपर एक पिंजरा गिर जाएगा और वो लोग सेफ हो जाएंगे और उन डॉग्स से बच जाएंगे। अब रेस शुरू होती है, सभी प्लेयर्स फ्लैग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन इसमें भी कुछ प्लेयर्स की मौत हो जाती है। सिद्धू इस रेस में आलिया के साथ फ्लैग को उठाने में कामयाब रहता है और वो इस रेस को जीत जाता है। ये देखकर ऑडियंस बहुत खुश होती है। फिर हम मार्क को देखते हैं। दरअसल मार्क ने ही मैदान गेम शुरू किया था। मार्क जब छोटा था तो उसके घर के पास जो मैदान था वहाँ उसे कोई भी खेलने के लिए अंदर नहीं आने देता था क्योंकि मार्क के पापा एक क्रिमिनल थे, इसलिए कोई उसके साथ दोस्ती भी नहीं करता था। इसलिए बड़ा होकर उसने मैदान गेम बनाया ताकि वो खुद डिसाइड कर सके कि इस गेम में कौन खेलेगा और कौन नहीं। मार्क के पास देव आता है। अब दोनों की बातें सुनकर हमें पता चलता है कि मार्क ने देव को अडॉप्ट किया था और इसलिए वो देव को अपने बेटे की तरह मानता है
और उसी ने देव को मैदान संभालने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन देव ने जो मैदान की आड़ में प्लूटोनियम की स्मगलिंग शुरू की वो मार्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। देव अपने प्लूटोनियम की स्मगलिंग को ये कहकर जस्टिफाई करता है कि पुलिस वाले हमेशा उनके पीछे पड़े रहते हैं और वो मैदान को बंद करना चाहते हैं, इसलिए वो प्लूटोनियम की स्मगलिंग करके इतने पैसे बनाना चाहता है कि जिससे वो अपना एक अलग देश बना सके, ताकि फिर वो लोग बिना किसी परेशानी के मैदान गेम को चला सकें। अब देव मार्क को बताता है कि उसने उसके सारे साथियों को मार दिया है। अब क्योंकि वो उसके पापा हैं इसलिए वो मार्क को नहीं मारता और उन्हें एक कंटेनर में बंद कर देता है। दूसरी तरफ सिद्धू को पता चल जाता है कि उसके भाई के बारे में मार्क ही उसे सब बता सकता है, इसलिए वो मार्क को ढूंढने में लग जाता है। इसके लिए वो बाकी प्लेयर्स की हेल्प लेता है। फिर जब सिद्धू को पता चल जाता है तो वो पुलिस ऑफिसर को भी बुला लेता है। इसके बाद सिद्धू पुलिस की मदद से मार्क को वहाँ से बाहर निकालता है और फिर वो मार्क से अपने भाई की मौत के बारे में पूछता है। मार्क सिद्धू को बताता है कि तुम्हारे भाई निहाल ने तीनों रेस जीत ली थी और फिर फाइनल में उसका मुकाबला देव से था। इस मुकाबले में दोनों को प्लेन से जंप करना था और जो बाइक उनसे पहले प्लेन से नीचे फेंकी गई थी उस पर उन्हें जंप करके बैठना था और फिर बाइक पर बैठकर अपना पैराशूट ओपन कर सकते थे। अब दोनों प्लेयर्स जंप करके बाइक पर बैठ जाते हैं, लेकिन फिर जब पैराशूट खोलने की बारी आती है तो देव का पैराशूट तो खुल जाता है मगर निहाल का पैराशूट नहीं खुलता, जिस कारण वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब मार्क आगे बताता है कि देव ने ही जानबूझकर निहाल का पैराशूट खराब किया था ताकि निहाल की मौत हो जाए और वो इस रेस को जीत जाए। ये सुनकर सिद्धू का गुस्से से खून खौलने लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये रेस जरूर जीतेगा और साथ ही देव को भी ख़त्म करके अपने भाई की मौत का बदला लेगा। वहीं मार्क उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि जो उन्होंने देव से प्लूटोनियम वाले ब्रीफकेस पकड़े हैं वो उनका पासवर्ड उन्हें दे देगा, लेकिन बदले में वो उसके मैदान गेम में दखल नहीं देंगे। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर भी मार्क की बात मान जाती है। फिर पुलिस वाले उस पासवर्ड से उन ब्रीफकेस को खोलकर उस माल को ख़त्म कर देते हैं। फिर जब तीसरी रेस शुरू होने वाली होती है तो उससे पहले ही देव बाकी सभी प्लेयर्स को मार देता है। बाकी प्लेयर्स की मौत की खबर से सिद्धू को बहुत दुख होता है और उसे देव पर बहुत गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है कि वो देव को किसी भी कीमत पर ख़त्म करके रहेगा। अब क्योंकि बाकी प्लेयर्स में से कोई नहीं बचा था इसलिए फाइनल रेस देव और सिद्धू के बीच होती है। इस रेस में दोनों को पहाड़ी से उतरकर साइकिल के जरिए टनल से होते हुए एक जगह पर पहुंचना था जहां पर फ्लैग थे। अब जो उन फ्लैग को पहले निकालेगा वो ये रेस जीत जाएगा। साथ ही दोनों के हाथों में एक टाइम बॉम्ब भी लगा था जो कि 20 मिनट के अंदर फट जाएगा, इसलिए दोनों को 20 मिनट से पहले ही फ्लैग तक पहुँचना था। अब इस रेस में सिद्धू देव का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। देव सिद्धू से रेस में काफ़ी आगे निकलता जा रहा था। फिर तभी सिद्धू को साइकिल राइड की वो टेक्निक्स याद आती है जो उसके भाई ने उसे सिखाई थी। फिर उन टेक्निक्स का यूज़ करके सिद्धू देव को हरा कर इस रेस को जीत जाता है, लेकिन इसके बाद वो बॉम्ब को डिफ्यूज़ नहीं करता और फिर देव और सिद्धू के बीच फाइट होती है जिसमें सिद्धू देव को बहुत पीटता है और फिर अपना टाइम बॉम्ब डिफ्यूज़ करता है। अब देव पर लगा टाइम बॉम्ब भी फटने वाला था, लेकिन उससे पहले ही देव सिद्धू को बताता है कि उसने उसके भाई को नहीं मारा। इसके बाद बॉम्ब फट जाता है और देव की मौत हो जाती है। अब क्योंकि सिद्धू ने तीनों रेस जीत ली थी साथ ही देव को भी हरा दिया था, इसलिए अब सिद्धू मैदान का लीडर बन जाता है। फिर जब सिद्धू फ्लाइट में मार्क के साथ होता है तो वो मार्क से कहता है कि देव ने मेरे भाई को नहीं मारा क्योंकि मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। फिर वो मार्क से पूछता है कि उसने उसके भाई को क्यों मारा। ये सुनकर मार्क हैरान रह जाता है। फिर मार्क सिद्धू को बताता है कि जब देव और निहाल की रेस होने वाली थी तो उसे पहले से पता था कि निहाल ये रेस जरूर जीतेगा, लेकिन वो नहीं चाहता था कि निहाल ये रेस जीते क्योंकि उसे लगता था कि निहाल एक अच्छा प्लेयर तो है लेकिन वो मैदान को नहीं संभाल सकता। इसलिए मार्क ने निहाल का पैराशूट खराब किया ताकि वो ये गेम हार जाए और उसकी मौत हो जाए, नहीं तो निहाल मैदान का लीडर बन जाता। ये सुनकर सिद्धू को बहुत गुस्सा आता है और वो प्लेन में ब्लास्ट कर देता है और खुद पैराशूट से नीचे आ जाता है। अब इस ब्लास्ट में मार्क की मौत हो जाती है और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है।